चाचू की वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को शेयर करो, जब कमेंट्स भी कर दो। वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। और आप सभी लोगों से मैं माफ़ी चाहूँगा कि मैं काफ़ी टाइम बाद व्लॉग बना रहा हूँ, क्योंकि मैं अपने किसी काम में फंसा हुआ था। बट फाइनली आई हैव स्टार्टिंग माई व्लॉग अगेन, और अभी मैं आप लोगों को दिख ही रहा होगा किसी स्टेशन पर आया हूँ। तो कहाँ पे मैं जा रहा हूँ ये तो मैं आप लोगों को अभी नहीं बता रहा, बट फाइनली जब व्लॉग का आगे आगे बढ़ता चला जाएगा तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। तो जस्ट वेट फॉर सम टाइम एंड बी विद द व्लॉग। थैंक यू। तो गाइस, काफ़ी टाइम बाद मुझे अपने ब्लॉग शुरू करके दोबारा से बड़ा मज़ा आ रहा है, क्योंकि मैं बिल्कुल ही इग्नोर कर दिए थे सारी चीज़ें। बट अब फाइनली आई हैव स्टार्टेड, और जा कहाँ रहा हूँ ये मैं आप लोगों को अभी ब्लॉग जैसे जैसे आगे चलता चला जाएगा फाइनली आपको पता चल जाएगा कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। और जो मेरे आगे के सारे ब्लॉग्स होंगे वो उसी सीक्वेंस में होंगे आप लोगों को। गाइस, पहले के प्लेटफॉर्म्स में और आज के प्लेटफॉर्म से मुझे एक जो बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस नज़र आ रहा है वो है साफ़ सफाई का। मतलब मैं ये चीज़ नोटिस कर रहा हूँ कि एक भी जगह कूड़ा, मतलब माइन्यूटली कूड़ा तो है हर जगह, बट जो पहले कूड़ा होता था कि गंदगी बहुत ज़्यादा फैली रहती थी, अब वो चीज़ नहीं है बिल्कुल यहाँ पर। और एक चीज़ मैंने और नई नोटिस करी कि जो यहाँ पर जो वेंडर्स हैं, जो सामान जो अपना बेच रहे हैं, वो अब पर्टिकुलर किसी एक कैटर के हो गए हैं। जो पहले समोसे वगैरह आपको लोग आवाज़ आती रहती थी, चाय चाय चाय, वो चीज़ अब यहाँ पे ख़त्म हो चुकी है, और पर्टिकुलर एक जो कैटर्स हैं उन लोगों के वो ही यहाँ पर सामान बेच सकते हैं। तो जो कि बहुत ही अच्छी चीज़ है, क्योंकि ये नहीं पता चलता था कि कौन सही बंदा है कौन गलत बंदा है, बट अब पर्टिकुलर कैटर्स के हैं तो अच्छा लगेगा। सो ये गाइस, फाइनली वी हैव रीच्ड आवर लोकेशन, वी हैव रीच्ड आवर डेस्टिनेशन। और जैसे कि आप लोगों को एक सेकंड में पता लगने वाला है कि हम कहाँ पर आए हैं, तो हियर वी आर। तो गाइस, फाइनली वी आर रेडी, और हमारा जो फर्स्ट स्टॉपेज होगा वो है डिकैथलॉन, जहाँ पर बहुत ही अच्छी वैरायटीज़ के आइटम बहुत ही रीजनेबल प्राइस पे मिलते हैं। तो लेट्स सी वहाँ पर हमारे लिए कोई बेनिफिशियल चीज़ मिलती है कि नहीं, हमारी यूज़फुल चीज़ मिलती है कि नहीं, और आप लोगों को भी दिखाऊँगा, तो आप लोग भी आ सकते हैं यहाँ पर। और जो जो आइटम मिलते हैं मैं वहाँ पर आप सबको दिखाने वाला हूँ, तो लेट्स गो। सो हे गाइस, फाइनली वी हैव रीच्ड आवर लोकेशन। आप मेरे पीछे देख सकते हैं डिकैथलॉन का बोर्ड लग रहा है, और यही हमारी मेन एंट्री है। तो लेट्स गो, अंदर चलते हैं और देखते हैं क्या क्या अवेलेबल है, और आप लोगों को भी दिखाता हूँ। सो लेट्स गो। वी कैन सी हेयर कि यहाँ पर हर तरीके का सामान अवेलेबल है। लाइक आप मेरे पीछे अभी देख सकते हैं कि जिम का सारा सामान अवेलेबल है। लाइक आपको बेंच प्रेस चाहिए हो, आपको ट्रेडमिल चाहिए हो, आपको कोई भी क्रॉस ट्रेनर चाहिए हो, आपको कुछ भी चाहिए हो, सब चीज़ यहाँ पर अवेलेबल है।
लाइक ट्रैम्पोलिंस भी अभी कर रहे थे बच्चे और रॉड्स वगैरह भी। और इधर मैंने एक नई चीज़ देखी कि अभी यहाँ पर ना एक ये के लिए अपने लगाने के लिए भी बहुत अच्छा मेरे को लगा, क्योंकि क्या होता था कि जो नॉर्मल रॉड्स के होल्डर्स आते हैं ना वो आवाज़ करने लग जाते हैं, जंग लग जाती है, बट आप देख सकते हैं कि ईजिली इसको अंदर डाला और हम ईजिली इसको बंद कर सकते हैं, तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ लगी मुझे। और रॉड्स वगैरह भी ना काफ़ी हैवी हैं, लाइक दिस वी कैन डू दिस, लाइक हमने इसको एक बार लगा के और बस लेट्स होल्ड इट, और फिर हमारी रॉड वॉड कहीं नहीं, प्लेट वेट कहीं भी नहीं जा रही, तो काफ़ी अच्छा लगा मुझे ये चीज़। ये हाथ से बनता है, जितने बैडमिंटन बनते हैं सारे हाथ से बनते हैं, ये 100% ऐसे ही। सर ये ऑटोमेटिक मशीनें भी होती हैं जो पूरा बना देती हैं। अब ये स्ट्रेंथ उतनी आ गई, अब ये यहाँ पे फिट हो गया, अब लूज नहीं हो गई यहाँ से, क्यों? क्योंकि प्रॉपर स्ट्रेंथ होगी ना इसके बाद। अच्छा अब ये लॉक हो गया। सो बेसिकली व्हाट वी हैव सीन हियर कि डेकैथलॉन में स्पोर्ट्स से रिलेटेड आपको सारे आइटम अवेलेबल होंगे, कोई भी चीज़ आपको यहाँ चाहिए हो तो स्पोर्ट्स से रिलेटेड आपको सब यहाँ अवेलेबल होगा, लाइक आपने मेरी वीडियो में देखा होगा। और मैं बताऊँ तो जो आइटम्स यहाँ अवेलेबल हैं वो बाहर के रेट से काफ़ी लो कॉस्ट पे अवेलेबल हैं, बहुत ही रीज़नेबल प्राइजेज हैं जैसे कि मैंने यहाँ नोटिस किया। तो अगर आप लोगों को कुछ भी आइटम स्पोर्ट्स से रिलेटेड चाहिए तो यू कैन विज़िट, डेफिनेटली यू कैन विज़िट हेयर, और आपको कुछ ना कुछ बेनिफिट होगा ही। तो नेक्स्ट लोकेशन अभी हमारी जो भी होती है मैं आप लोगों को शेयर कर दूंगा, और ब्लॉग के साथ बने रहिएगा। सो गाइस इट्स टाइम टू गो बैक एंड वी आर गोइंग टू द नेक्स्ट लोकेशन, एंड व्हाट विल बी द नेक्स्ट लोकेशन देखते हैं क्या होता है। तो अभी तो मेरे को जो सुनने में आ रहा है कि अभी हम लोग जा रहे हैं घर पर, क्या कह रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं अब हम लोग? सीधा घर चल रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं हम लोग? कोई सेकंड लोकेशन है अपन लोगों की? वी आर गोइंग बैक टू होम फॉर लंच एंड देन अगेन वी विल मूव टू डी मार्ट और मेट्रो और एनी ऑफ द मॉल लाइक अटलांटिक। मिलते हैं। अभी हम लोग आए दूसरी गाड़ी में थे बट अब जा दूसरी गाड़ी में रहे हैं, और हियर शी इज अ लिटिल यूट्यूबर जो कि थोड़ा थोड़ा अभी शर्मा रही है। आदु आदु आओ ना, से समथिंग, से हाय एटलीस्ट। तो मिलते हैं अभी घर पर। कमेंट करके बताओ कि चाचू ने कितनी बार ऊपर मास्क किया, जिसने बताया उसको एक सरप्राइज मिलेगा, पर पता नहीं वो क्या होगा।